हेलो फ्रेंड्स, आज हम समाजवाद एवं साम्यवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि क्लास टेंथ के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यानी रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? लियो तोल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। रास्पुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना थी। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजल्स के साथ। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जर्मनी की। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंजल्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? रूस में। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई थी? 1861 ईस्वी में। स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है? वर्ग समन्वय की बात करने वालों को। चेका क्या था? पुलिस दस्ता। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में। वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? इवान तुर्गेनेव। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना। उन्नीस सौ सत्रह की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। कोलखोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? स्टालिन ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1818 ईस्वी में। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1827 ईस्वी में। चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। लेनिन ने ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? जर्मनी के साथ। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1924 ईस्वी में। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? सेंट साइमन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? सोवियत संघ में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 ईस्वी के 9 जनवरी के रविवार को। दोस्तों,
इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।